आप लोगों ने पूछा था कि स्मार्ट बोर्ड कैसे काम करता है। देखिए, ये स्मार्ट बोर्ड है, जब इसका नाम है स्मार्ट बोर्ड तो मतलब कुछ तो खास बात है जो कि स्मार्ट बोर्ड नाम है। इसमें देखिए व्यवस्था क्या क्या है। बोर्ड में कोई सप्लाई नहीं दी गई है और इसको ऑन करके, ये स्विच को ऑन करके, रोटरी स्विच को ऑन करके हम इसको जला सकते हैं। मगर फिर अगर इसको हमको ऑफ़ करना पड़ेगा, अगर इसमें सप्लाई देते हैं तो ये सोचते हैं कि नहीं हमको इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, हमको ऑफ़ नहीं करना पड़ेगा। आपको दिखाते हैं कि कैसे करता है ये। ये देखिए, ये रहा मेरा यहाँ से सप्लाई कनेक्शन है, इसको हम देखिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड में हमने खोसा है और इस स्विच को हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसको ऑन करने से पहले हम आप इसमें बल्ब लगा लेते हैं, एलईडी बल्ब। इसको देखिए हम ऑन, यहाँ से ऑन कर लेते हैं। हाँ, अब एलईडी बल्ब को ऑन करना है तो यहाँ से ऑन हो जाएगा। ठीक, और ये सॉकेट जो है इसको ऑन करना है तो यहाँ से ऑन हो जाएगा। अब देखिए हमको ये देखना है कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए यहाँ से अभी हम स्विच को ऑफ कर दिए। अब देखिए इसको, जैसे शाम हुआ, अपने घर में लगाए हुए हैं, शाम हुआ, हम इस रोटरी स्विच से इस एलईडी बल्ब को ऐसे ऑन कर देते हैं। अब हम अपने इसमें सप्लाई देते हैं। सप्लाई देते ही देखिए, सप्लाई देते ही ये एलईडी बल्ब जो है ये अपने आप ऑफ हो गया। हाँ, ये अपने आप ऑफ हो गया और ये जो है एलईडी बल्ब भी जलने लगा, जो एसी सप्लाई से जलता है वो जलने लगा, और ये जो है डीसी सप्लाई से जो जलता है एलईडी बल्ब वो ऑफ हो गया, और लाइट कटते ही ये ऑन हो जाता है। इसमें ये सिस्टम है कि ये लाइट आते ही ऑन ऑफ हो जाता है और लाइट कटते ही ऑन हो जाता है। और अगला सिस्टम क्या है इसमें, ये जैसे यहाँ पे जो है यूएसबी ऐसे ही नहीं लिखा गया है इसमें। इसमें क्या है, ये एक पावर बैंक टाइप का है, मतलब अगर लाइट नहीं है, यहाँ से हम निकाल दिए हैं, इसमें देखिए इसमें बोर्ड में कोई सप्लाई नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसमें लाइट वाइट तो है नहीं कुछ। अब अगर लाइट नहीं है और मेरे को मोबाइल चार्ज करना है तो यूएसबी में लगा के अपना हम चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ से इसका पावर ऑन कर देते हैं। पावर ऑन करते हैं तो ये इस यूएसबी केबल में सप्लाई आ जाती है। हाँ, फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि क्या मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहाँ से इसको देखिए, इसमें मोबाइल में खोजते यहाँ पे इंडिकेट करने लगा कि नहीं, सप्लाई जा रही है और आपका ये जो है ये चार्ज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन में जो है यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि चार्ज हो रहा है। हाँ, ये जो ग्रीन सिग्नल दे रहा है वो चार्ज हो रहा है, मतलब कि मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। अब हम यहाँ से इसको निकाल के, इसको यहाँ से, अब देखिए कुछ सेकेंड बाद ये अपने आप इंडिकेट करना बंद कर देगा और फिर यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे पावर को। अगर मेरे को यूज नहीं करना है उसको तो ये ऑन भी रहेगा, तो अगर मोबाइल निकाल से। इसमें अगला व्यवस्था क्या है कि ये बैटरी का जो लेबल है, ये बैटरी का लेबल भी बताता है कि मतलब मेरा बैटरी कितना चार्ज है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुल लिखा हुआ है, अगर ये इंडिकेट करता है तो ये फुल बताता है कि फुल चार्ज है, और ये अगर इंडिकेट करता है तो ये लो बताता है। इसको चेक करने के लिए ये जो रोटरी स्विच है, इस रोटरी स्विच को हमें ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने इसका बैटरी फुल चार्ज कर रखा है, इसलिए इसको ऑन करते हैं तो देखिए ये इंडिकेट करता है। इसको ऑन कर देते हैं तो ये इंडिकेट करता है, मतलब मेरा फुल चार्ज है। अगर यही इंडिकेट ये करने लगेगा कि ये, तो इससे मुझे मालूम चल जाएगा कि ये मेरा लो अभी है, इसको बैटरी को चार्ज करना है। ठीक है, अगला व्यवस्था ये है इसमें कि मेरे को अगर बैटरी चार्ज करना है, इसमें लगी बैटरी चार्ज करना है, इस बोर्ड में लगी बैटरी को चार्ज करना है, तो मेरे को कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम कि इधर से हम सप्लाई दे देते हैं। हाँ, सप्लाई इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ पे सप्लाई आ गई। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जो है ये वाला जो बीच वाला स्विच है, ये बीच वाले स्विच को हम इसको ऑन कर देते हैं। इसको ऑन कर देंगे तो मेरा यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, मतलब मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है। जो है ये चार्जिंग पिन लगा हुआ है जो कि चौड़ा वाला है, जो कि नॉर्मल मोबाइल में आता है, आप एंड्रॉयड फ़ोन में चाहे जो भी हो यही चार्जर यूज किया जाता है। तो ये चार्जिंग पिन, और यहाँ पर भी एक चार्जिंग पिन लगा हुआ है जो कि पतला नोकिया का है। हाँ, तो इन दोनों से हम चार्ज कर सकते हैं। हम चार्ज करके आपको दिखाते हैं। देखिए, इस बोर्ड में सप्लाई आ रही है और हम यहाँ पर एडाप्टर लगा के, एक एडाप्टर लगा के इसको ऑन करके, हाँ, फिर इसमें देखिए खोसेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है एलईडी बल्ब वो इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये बैटरी चार्ज हो रही है। अगर अंदर का ये जो चार्जिंग है, ये वाला किट अगर ख़राब हो जाता है, ये चीज़ ख़राब हो जाती है, तो इसमें खोज के हम चार्ज कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर खोज के चार्ज करते हैं तो ये एलईडी बल्ब मेरा इंडिकेट करता है। और अगर हम
इसमें खोज के चार्ज करते हैं, पावर बैंक के उसमें पिन में खोज के अगर चार्ज करते हैं तो हमें यहाँ पे इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडिकेट करता है ठीक। और अगर अगर वही चीज़ यहाँ पे चार्ज कर सक करते करते हैं तो इसके बगल में इंडिकेट करता है, और इससे अगर चार्ज कर से करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेट करता है, और ये जो दो एलईडी है इसको ऑन करने पर ये बताता है फुल और लो का। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसको ऑन करने पर मेरा पावर बैंक ऑन हो जाता है, पावर बैंक ऑन हो जाता है, फिर पावर बैंक खोज के हम उसको देख सकते हैं। गया सबसे खास बात, सबसे अच्छा चीज़ हमने जो कि ये है रिमोट, आप लोगों ने देखा होगा शायद फोटो में, भी साथ में था, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा फिर से, ये भी साथ में था। ये है इसका रिमोट, क्या है कि अगर लाइट जैसे है मेरे घर में और हमको रात में सोना है तो हम अपना क्या किए, यहाँ से देखिए लाइट है इसमें, अपना यहाँ से स्विच ऑफ कर दिए हाँ, उसके बाद और जो ये भी जलता था इसको भी ऑफ कर दीजिए यहाँ से हाँ, उसके बाद अंधेरा हो गया सारा। और उसके बाद ये चीज़ अगर रिमोट मेरे पास है तो इसको दूर से दूर हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे हमारा ऐसे हो गया तो यहाँ से हम देख सकते, आप देख सकते हैं कि इस रिमोट से हम इसको और दबाएंगे और यहाँ पे बल्ब ऑन हो जाएगा। तो हम जैसे चाहे जहाँ पर भी होंगे अगर रिमोट मेरे पास रहेगा अपने कमरे में तो इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये रिमोट जो है कि मतलब अपने कमरे में हो चाहे बाहर में हो, तो बाहर में होता है तो ये कम से कम 30 से 35 मीटर दूरी तय करता है, 35 मीटर दूरी से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और रिमोट को ये नहीं है कि नहीं सेल वेल लगाना है, सेल वेल कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्जिंग पिन लगाया है मैंने चौड़ा वाला, अपना जब डिस्चार्ज होता है आपको लगता है कि नहीं डिस्चार्ज हो गया है तो यहाँ पे अपना चार्जिंग पिन खोज के एक घंटे आधे घंटे जो भी चार्ज करना है अपना चार्ज किए हो गया, फिर रिवर्स अपना फिर उसको यूज करते रहे महीने दो महीने चार महीने, उसके बाद फिर अपना चार्ज किए हो गया। मेरे को सेल भी नहीं लगाना इसका भी, मुझे यही रिमोट लगा कि रिमोट से हम कहीं से भी दूर से दूर ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत दूर से ऑन कर रहे हैं, इसको ऑन ऑफ हो जा रहा है, आप देख सकते हैं बहुत दूर से ऑन कर रहे हैं, इधर से ऑन करते हैं ये ऑन ऑफ हो जाता है। तो क्या है कि इसको यही है सबसे खास बात इसमें, और स्मार्ट बोर्ड में इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है ठीक है। धन्यवाद।